अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टाइल कॉर्नर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आप लोगों को एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे से प्रिंट के साथ कुछ एयरलाइंस ड्रेसेस दिखा रही हूँ, कुछ स्वेटर ड्रेसेस दिखा रही हूँ और कुछ शिफ्ट ड्रेसेस दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत से प्रिंट आप लोग देख रहे हैं, बहुत प्यारे से कम्बिनेशन आप लोग देख रहे हैं, डिज़ाइंस आप लोग देख रहे हैं, ड्रेसेस आप लोग देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के नेक डिज़ाइन के साथ, डिफरेंट स्टाइल के सिर्फ डिज़ाइन के साथ मैं आपको ये ड्रेसेस दिखा रही हूँ। मेरी ड्रेसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, कुछ लेथर्ड के साथ भी हैं, कुछ स्लिम स्टाइल के साथ भी हैं, सिंपल से एयरलाइंस भी आप लोग देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें व्यूअर्स, कुछ लॉन्ग स्टाइल के साथ भी आप लोग ड्रेसेस देख रहे हैं और मेरी ड्रेसेस भी आप लोग देख रहे हैं, स्लिम स्टाइल में भी हैं, कुछ हाई वेस्ट में भी हैं, गथर्ड के साथ या एयरलाइन स्टाइल के साथ। ये देखें राउंड नेक में ज़्यादातर डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ, फुल स्लीव्स भी हैं, हाफ स्लीव्स भी हैं। ये देखें व्यूअर्स, लेयर्स के साथ आप देख रहे हैं, बेल स्लीव्स के साथ देख रहे हैं, ओपन स्लिट के साथ देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स की डिज़ाइनिंग में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत से ड्रेसेस अच्छी वीडियो में दिखा रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि मेरी दूसरी वीडियोज़ की तरह आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स भी कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एक बार फिर कहूँगी कि अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।